गाइज अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल करवा चौथ है और हम लोग करवा चौथ की तैयारी में लग गए हैं और मैं और मेरी सारी फ्रेंड्स मिलके अभी मेहंदी लगा रहे हैं। तो अभी ये हमारी मेहंदी आर्टिस्ट आ गई हैं जो सभी को वन बाय वन मेहंदी लगा रही हैं। तो हम सभी बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, साथ में मेहंदी लगा रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग की, कौन कौन सा सामान लिया है। तो दोस्तों चलिए अब बताती हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने करवा चौथ की सारी शॉपिंग कर ली है। ये रेड कलर की साड़ी मैंने ली है और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा है, एकदम डार्क रेड कलर है। और ये पूजा करने के लिए करवा माता की फ़ोटो है, साथ ही ये करवा चौथ की व्रत कथा की बुक है जिससे कि हम कथा पढ़ते हैं करवा चौथ के दिन। तो चलिए बाकी की चीज़ें आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है हमारी रेड कलर की चूड़ी, ये सारा श्रृंगार हम करवा माता को पूजा के समय हम चढ़ाते हैं सारा श्रृंगार का सामान। तो ये महावर है, लाल चूड़ियाँ हैं, काजल है और ऑरेंज वाला सिंदूर है, ये ऑयल है डाबर आमला का, और ये मेहंदी है, कंघी है, चुनरी है करवा माता के लिए। सारी चीज़ें मैंने श्रृंगार की खरीद ली है। तो इस तरीके से करवा माता को हम सारी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं, लाल श्रृंगार हम करवा माता को अर्पित करते हैं। तो ये मेरी सारी खरीदारी मैंने कर ली है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जो ये चलनी है, इसे मैंने घर पे डेकोरेट किया है। तो आपको मेरी चलनी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। और ये हमारा करवा है, तो हम लोगों के यहाँ ये मिट्टी का करवा होता है जिसमें हम पकवान भरते हैं, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें भरी जाती हैं। तो इसमें हम सारी चीज़ें भरकर करवा माता को अर्पित करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मेरी मेहंदी का कलर थोड़ा थोड़ा चढ़ने लगा है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी बहुत अच्छे से करवा चौथ का त्यौहार सेलिब्रेट करिए, एकदम दुल्हन की तरह से श्रृंगार करिए। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अपनी साड़ी दिखाती हूँ। इसका कलर बहुत ही सुंदर है, एकदम दुल्हन की तरह ये साड़ी है। तो मैं इस बार करवा चौथ पे यही वाली साड़ी पहनूंगी। तो आप लोग बताइए कि ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लगेगी। तो चलिए आपको बहुत अच्छे से पूरी साड़ी दिखाती हूँ, एकदम पूरी भरी हुई है, इस तरह का पूरा वर्क किया गया है। तो ये बहुत हैवी साड़ी है, बट आज मेरा मतलब करवा चौथ में मेरा मन है कि मैं यही साड़ी पहनूँ। तो इस बार मैं करवा चौथ पे यही साड़ी पहनने वाली हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के यहाँ करवा चौथ का त्यौहार कैसे मनाया जाता है आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ ये साड़ी पूरी ओपन करके, इसका जो वर्क है वो कितना हैवी है। बहुत ही सुंदर साड़ी है, पहनने के बाद तो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह इसका लुक आता है। तो चलिए ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इस साड़ी का फुल लुक। तो ये देखिए दोस्तों, ये साड़ी इस तरीके से पूरी भरी हुई है, बहुत हैवी वर्क किया गया है इसमें। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे स्पेशली साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं कभी कभी फेस्टिवल वगैरह में ही साड़ी पहनती हूँ क्योंकि डेली साड़ी को हैंडल करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मुझे तो स्पेशली साड़ी डेली वेयर में पहनना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सर में रखने के बाद ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है।
आप देख सकते हैं कि जब मैंने सर में पल्लू रखा इस साड़ी का, तो ये साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ कि पूरी साड़ी इस तरीके से लहंगा पैटर्न में एकदम से भरी हुई साड़ी है। बहुत ही हैवी है, इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं हमेशा ये साड़ी नहीं पहनती हूँ। जब कभी कुछ स्पेशल ओकेजन होता है तभी मैं ये साड़ी पहनती हूँ। ये देखिए दोस्तों, एकदम से इसी तरीके से पूरा एकदम पूरी साड़ी एकदम भरी हुई है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको साड़ी दिखा दी। इसके बाद हम और मेरी सभी सहेलियां, हम लोग करवा चौथ की मेहंदी कंप्लीट करवा रहे थे, क्योंकि करवा चौथ के दिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी तैयारियां हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं मार्केट तरफ आ गई थी, क्योंकि जो करवा चौथ में सीख होती है जिसे हम करवे में फंसाते हैं, वो मैं सीख लेना भूल गई थी। तो मैं फिर दोबारा से शॉप पे आई थी। आई थिंक 6:30 के लगभग मुझे दोबारा शॉप में आना पड़ा। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। थैंक्स फॉर